My baby, my Valentine. Can I you to make you a temperature rise? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Never did it, but can it feel? Open up, make us feel. Give me love, one thing, thing. Make a bad man sing. वेलकम टू माई चैनल अगेन एंड दिस इज अनीश. सो गाइज, आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दुबई में एक प्लेस है लास्ट एग्जिट बोल के. तो बेसिकली इस प्लेस में बहुत सारी फूड ट्रक्स मिलेंगे आपको, और जैसे कि आप दिखा सकते हैं यहाँ वाला एरिया आपको, जैसे यहाँ पर एक फूड ट्रक है, वहाँ फूड ट्रक्स है, देन यहाँ सिटिंग एरिया है, ईटिंग एरिया है, ये थोड़ा सा फाउंटेन एरिया है, देन आपको सारा व्यूज़ दिखाऊँगा मैं. और गाइज, सीन ये है कि यहाँ पर बज गया अभी रात का 11:30 एंड मैं आया हूँ खावानिज, अल खावानिज एरिया में लास्ट एग्जिट. तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा. एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. सो गाइज, सबसे पहले तो मास्क इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वरना दुबई में सीन ऐसा है कि यहाँ पर मास्क अगर नहीं लगाओ तो यहाँ पर एक बार में 3,000 dirham का फ़ाइन है, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 60,000 rupees होता है. तो अगर आपको 3,000 dirham का फटका चाहिए तो आप मास्क मत लगाओ, और अगर 3,000 dirham का फटका नहीं चाहिए तो प्लीज़ वेयर योर मास्क. एंड ऑब्वियसली सेफ भी है, फाइन तो डिफरेंट चीज़ है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी. तो गाइस, चलिए वॉक अराउंड आपको दिखाते हैं लास्ट एग्जिट में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है. माय फ्रेंड शी इज स्टिल हियर, हुदा, यू वांट टू से हाय टू माय पीपल? हेलो गाइस, हियर वी आर अगेन. दिस इज गोइंग टू शो द प्लेस. सो गाइस, चलते हैं. एंड हुदा का मास्क पता नहीं कहाँ है अभी, उसने मास्क हटा दिया अपना. तो ये वाला सीन कुछ ऐसा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ये फाउंटेन एरिया हो गया थोड़ा सा, एंड यहाँ पर फूड ट्रक्स है जैसे कि आपको मैंने बोला. तो चलते हैं आगे. एंड देन सो ये जगह का नाम है लास्ट एग्जिट, एंड लास्ट एग्जिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दुबई का लास्ट एग्जिट टर्न है, उसके बाद आपको दूसरा जगह जाना पड़ेगा. तो ये वाला है प्रॉमिस ब्रिज. सेम जैसे पेरिस फ्रांस में है, वैसे यहाँ पर भी है एक ऐसा ब्रिज बना हुआ है. यहाँ पर बहुत सारे लॉक्स है. Date भी देख लिए, this is March 7. Do you guys believe in this or no? Because यहाँ पर अगर आप count करेंगे, तो यहाँ पर millions of locks लगे हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं. तो location अच्छा है picture के लिए, आप picture ले सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारे videos ले सकते हैं. And कुछ ऐसा view है, पानी तो बहुत गंदा है बट सही है. तो व्हाट्स योर ओपिनियन, हाउ अबाउट दिस वन, दिस आउल? इट्स वेरी हैवी, हाँ बहुत भारी भी है ये वाला, पता नहीं किसने लगाया. ये रहा यहाँ पे प्लास्टिक वाला. सो सीन ये है, और यहाँ पर है एक ऑरेंज वाला, 14th April 2020. It was one of those March. 2020 वाला का सीन कुछ ऐसा है कि जब पूरा this is 2020, this is 14th April 2020. Yeah, and that one is this is 21. So जब कोरोना एकदम तेजी पे था 2020 में, देन किसी ने यहाँ पर आके लॉक लगा दिया. सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन कोरोना टाइम्स. एंड देन और दिखाते हैं आप लोग को व्यू यहाँ का.
तो गाइस सीन तो ऐसा है कि लास्ट एग्जिट में लोग तभी आते हैं जब यू नो अभी मौसम जैसे अच्छा है, जैसे मार्च का टाइम है, बट टेम्परेचर इज स्टिल फाइन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेम्परेचर? Yes, the weather is like still we are in winter. Like it's cold now. Yeah, so temperature मैंने फोन में चेक किया था, अभी का temperature is around 16 to 17 degrees, which is very good. Yeah, but before like just 2 days ago it was really hot. Like it's summer just started, but today it's different. देखो दुबई का क्या सिस्टम है ना कि दिन में तो रहेगा बहुत गर्मी, in the afternoon it's very very hot. Either it's too hot or either it's cold. It's cold. और विंटर का टाइम कुछ ऐसा है कि विंटर में इट्स प्रीटी मच गुड यू नो. तो अगर आपको वेकेशन में आना है तो अभी इट्स गुड टाइम. मार्च लास्ट, देन उसके बाद क्या होगा, अप्रैल से पूरा बूमबास्टिक, एकदम पूरा बूमबास्टिक गर्मी हो जाएगा यहाँ पर. तो सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा सा ऑस्ट्रिच. तो आपको यहाँ से फिर मैं लेके चलता हूँ जो फूड ट्रक्स है, फूड ट्रक्स की तरफ. ये रहा पार्किंग एरिया, तो आपको आना जब भी आइए एंड अपना गाड़ी बिंदास पार्क कर सकते हैं आप कभी भी. और ये देख सकते हैं आप, नाइस प्लेस एंड नाइस कार्स. या इट्स अ टूरिस्टिक प्लेस, टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पर और लोकल पीपल भी बहुत मिलेंगे आपको कंदूरा पहन के या फिर अबाया में. सा तो सबसे पहले आपको फूड ट्रक दिखाते हैं. ये रहा फूड ट्रक. इस फूड ट्रक का नाम है मशाकी एंड असल. आई थिंक ये वाला अरबिक है, राइट? इट्स अरबिक, या. हां, मशाकी एंड असल. सो मशाकी का मतलब है हनी गाइस, वो अरबिक. असल मींस हनी, असल इज हनी. मशाकी इज व्हाट काइंड ऑफ स्वीट्स, बट इज फॉर ओके. सो ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर टेबल्स बने हैं, लोग खा रहे हैं यहाँ पर बिंदास मस्त एकदम. ये बस देख सकते हैं, स्ट्रीट ईट्स, वेरी नाइस पेंटेड ग्रीन कलर. आई लाइक द बस. सो इसी को बोलते हैं फूड ट्रक एंड सिंस 1762. सो गाइस बेसिकली फूड ट्रक क्या होता है, ऐसा आप बस बना सकते हो या ट्रक ले सकते हो और उसमें आप अपना खाना सेल कर सकते हो. बेसिकली क्या सेल होता है, फूड, जो फास्ट फूड होता है, जैसे स्नैक्स हो गया, बर्गर्स हो गए, रोल्स हो गए, चाय कॉफ़ी हो गई. यहाँ का सिटिंग एरिया में देखिए आप, टीवी भी लगा है तो बिंदास आप टीवी, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच देख सकते हैं. या मतलब आप चिल मार सकते हो यहाँ पर, रिलैक्स कर सकते हो. लुक एट दिस, इट्स वेरी नाइस ट्रैक्टर. सो दुबई में भी ट्रैक्टर है. यहाँ लिखा है डोंट क्लाइम. सो दिस इज़ द सिटिंग एरिया, यहाँ पर बैठने का. बढ़िया चेयर हटा लिया शायद किसी ने. एंड ये रहा स्टेयरिंग, ये रहा गियर, एंड यहाँ गियर शिफ्टिंग लिखा हुआ है. एंड टायर्स, जस्ट टायर्स इज नॉट ओरिजिनल बट ऐसे ही बना हुआ है. तो गाइस नेक्स्ट व्यू, यहाँ खाने के बहुत सारे टेबल्स है, तो आप अगर जब टाइम भी होगा, जब बिंदास फुल पैकिंग होगा, तो भी यहाँ पर बहुत सारे चेयर्स मिल जाएंगे आपको बैठने के लिए. सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर, जहाँ मैंने देखा था यहाँ पर एक बड़ा सा काऊ बना हुआ है, राइट? यू रिमेंबर द काऊ एरिया? व्हाट अबाउट इट, यू लाइक द काऊ एरिया? बिकॉज मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पर काय के, ये काऊ के साथ पिक्चर्स ले रहे थे, तो मैंने खुदा को भी बोला कि वहाँ पिक्चर ले लो. सिक्योरिटी ने मेरे को बोला है कि यहाँ पर वीडियो लेना मना है, तो ठीक है मैं बंद कर देता हूँ, बट आपको जस्ट काऊ दिखा देता हूँ. ये वाला, ये देखिए, ये है काऊ. तो गाइस सीन ऐसा है कि सिक्योरिटी ने मेरे को फिर से रोका
पता नहीं लोग पागल हो गए हैं क्या, ना मेरे पीछे कोई है ना मेरे सामने कोई है, और मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर भी इनको प्रॉब्लम है। वो बोल रहे हैं कि तुमको परमिशन लेना होगा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो एनीवेज जब तक वो चल गया है वो जैसे चल गया मैं फटाफट से रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आप लोग को सीन सिनेरियो दिखा देता हूँ। ये है, दिस एरिया इज़ कॉल्ड द ग्रीन डेक, दिस इज़ द ग्रीन डेक, यू कैन सी। इसको ग्रीन डेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर देखो आप ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सब। ये पता नहीं क्या लगा रही है मेरे पीछे तो सो यू कैन सी यहाँ पर ऐसा सीन है एंड यहाँ पर ऐसा ऐसा ग्रीन इसीलिए एंड व्यू ऐसा कुछ व्यू है। मैं फटाफट रिकॉर्ड करता हूँ फिर यहाँ से जाते हैं दूसरे प्लेस। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो मैं आपके लिए पूरा फुटेज निकालता हूँ वहाँ से, होपफुली फिर से कुछ बोले नहीं। और परमिशन तो मैं ले लेता, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है अभी, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, 12:05, लेकिन मैनेजमेंट ऑफिस बंद हो गया इसलिए मैं परमिशन नहीं ले सकता। तो फटाफट मैं दिखाता हूँ आपके लिए, रिस्क लेके मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, चलिए। सो गाइज आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम जो है, ऐसा है कुछ, यहाँ ओल्ड स्टाइल का बकेट रखा हुआ है एंड देन पानी के लिए आपको प्रेस दिस वन जो पार्टी बना हुआ है ऐसा, सो कूल। ऊपर में भी बकेट्स रखे हुए हैं, सो गाइस दिस इज द सी फूड पास्ता। आई होप द सी फूड इज इनसाइड बिकॉज़ इट्स कालामारी, देयर इज There is calamari and what else there is? This is the calamari, shrimps, mussels. In the picture was different and reality is different. Anyways, okay, this is shrimp. Shrimp is there. This one. Okay, what is the other stuff? Oh. Okay, mussels is here. It's here, let me show it for a second. Okay, it's good. Yeah. Next. Okay, this is also shrimp. Calamari, said I cannot see any. So guys, maybe we'll get to it. Iska charge in log ne liya around 65 dirhams and 65 dirhams India mein banta around 1300 rupees. You know, try the first bite. So guys, pasta almost khatam hone chala. Pasta is tasty, but then portion is small. And yahan ka temperature abhi cold hai, so it's getting very cold fast. तो आपको जल्दी मजा सही है तो जल्दी खा लो फटाफट एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट प्लेस। दिस इज क्यूट, दिस इज फॉर स्मॉल बर्ड्स।